उत्तर प्रदेश बलिया जिले में जमुना राम मेमोरियल स्कूल चितबड़ा गांव पर चल रही चार दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर 5 वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। बालिका वर्ग में बीएनएस इंग्लिश स्कूल वाराणसी और बालक वर्ग में एमजेआरपी स्कूल गाजीपुर ने खिताब पर कब्जा जमाया। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर धर्मात्मानंद ने अन्य अतिथियों संघ विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में बीएनएस इंग्लिश स्कूल वाराणसी ने आर्मी स्कूल प्रयागराज को 25-15, 23-25, 25-10, 25-20 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में पतंजलि स्कूल प्रयागराज ने डॉलिम्स स्कूल रोहनिया वाराणसी को 25-20, 25-23, 25-21 से पराजित किया। मैं डॉक्टर धर्मात्मानंद, जमुना राम मेमोरियल स्कूल का प्रबंधक हूँ जी। आज किस तरह का कार्यक्रम था और इसमें कौन कौन टीमें शामिल हुई है, कहाँ कहाँ से टीमें आई थी? ये कार्यक्रम यहाँ पर 28 तारीख से सीबीएसई क्लस्टर 5 वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया है। सीबीएसई क्लस्टर 5 में 25 जनपद के 71 बालक की टीमें और 13 बालिकाओं की टीमों ने भाग लिया और आज फाइनल मैच का समापन हुआ है और सभी टीमें अपना पुरस्कार वितरण किया गया। इस अवसर पर हम लोग सभी बच्चों को पुरस्कार वितरित करके उनको विदा किया। आर्या रॉय अभी वाराणसी से हूँ और यहाँ पे हम लोग वॉलीबॉल क्लस्टर टूर्नामेंट 5 खेलने के लिए आए थे जेआरएमएस पब्लिक स्कूल में। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर तुषार सर, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था सबके लिए, मतलब फूडिंग लॉजिंग सब कुछ एकदम अच्छा था और यहाँ पे रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोग को। जी आपने खेल में प्रथम आपने आह्वान किया, 4 दिन से खेल रहे थे, क्या किस उम्मीद से आप खेल रहे थे, क्या डर नहीं था? नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि हम लोग के सर हैं मिस्टर चंद्रशेखर सर, वो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग मतलब कि अच्छा खेलो, टीम जीते या हारे कभी भी डर के मत खेलना और ट्रेनिंग वही देते थे हम लोग को बहुत अच्छे से, इसीलिए हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं, आगे भी जाएंगे उनकी वजह से। और टीम की जितनी हम लोग की सीनियर दीदी लोग हैं बहुत सपोर्टिव नेचर के, सब लोग बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से खेले, इस वजह से टीम जीती है। मतलब पूरे प्लेयर्स में किसी एक की सपोर्ट की वजह से टीम जीती है, सब लोग मिलकर कंटिन्यू किया, अच्छे से खेले तो टीम जीती है। हम लोग के स्कूल के डायरेक्टर सर हैं मिस्टर संदीप सिंह, उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है लड़कियों की खेलने के लिए, हम लोग की 70% से 100% तक फीस भी ऑफ रहती है स्कूल में। आगे की सर तैयारी करेंगे? आगे अब नेशनल के लिए करना है सर, जब तक खेलना है अच्छे से खेलना है।